आप रोज खबर सुनते हैं कि कोई बच्चा पिस्तौल से खेल रहा था, पिस्तौल चल गई, हादसा हो गया, बच्चा मर गया। एक बेसिक फंडामेंटल सवाल है जो अगेन मुझसे भी किया जाता है और प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी ज़रूरत भी आपको बहुत ज़्यादा पड़ती है, वो ये कि जब मैं अपने साथ अपना पिस्टल कैरी कर रहा हूँ या मेरे पास एक वेपन है जो मैंने घर पे रखा है या गाड़ी में रखा है, तो मैं उसके चेंबर में राउंड लोड करके रखूँ या ना रखूँ। यानी मैगजीन तो लगाया जाता है, जब आप साथ रखते हैं तो ज़ाहिर है मैगजीन साथ लगा के रखते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि क्या मैं ये राउंड चैम्बर करके अपने साथ रखूं या ना रखूं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस सवाल का जवाब जब गलत हो जाता है तो हादसे होते हैं, और इसीलिए इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये मालूम हो कि आप किस माहौल में हैं, आपका हथियार कौन सा है और आपकी ड्यूटी क्या है। ये सब चीज़ें फैसला करेंगी कि आप अपने वेपन में राउंड चैम्बर करके रखें या नहीं। मिसाल के तौर पर जब आप जो प्रोफेशनल्स हैं जिनका काम है सिक्योरिटी में हर वक्त ऑपरेशंस में फील्ड में रहना, मसलन कोई बॉडीगार्ड्स हैं किसी वीआईपी के अतराफ में, उनका काम है सिक्योरिटी का, हर वक्त वो अपने पास, उनका काम है किसी नागहानी सूरत हाल से निमटने का, या आप आर्मी ऑफिसर हैं जो ऑपरेशंस में जा रहे हैं, एसएसजी कमांडोज हैं, या पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनका काम है कि हर वक्त किसी वक्त भी हादसा या नागहानी खतरा उनके सामने आ सकता है, ऐसी सूरत हाल में जब आसपास बच्चे नहीं होते, आप प्रोफेशनल माहौल में होते हैं, आप मैदान जंग में होते हैं, आप ड्यूटी पर होते हैं, ऐसे माहौल में हमेशा रिकमेंडेड होता है कि आप अपने वेपन में अपना राउंड चैम्बर करके रखें। मतलब अगर वही बात कि अगर मैंने ड्यूटी पर निकलना, अचानक कोई हमला होता है, कोई थ्रेट होता है, तो राउंड चेंबर हो तो ये आपका टाइम बचा लेता है निकाल कर फायर करने में, जिसकी डेमोंस्ट्रेशन अभी दिखाएंगे अभी हम आपको। और अगर आप घर में हैं, सेफ एनवायरनमेंट में हैं, अच्छा माहौल है, आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन सिर्फ आपने वेपन अपने घर में अलमारी में रखा हुआ है, ऐसे में इंतहाई खतरनाक होता है कि अगर आपने राउंड चेंबर करके रखा हुआ, उसमें लाजमन हादसा होगा, क्योंकि घर में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, मेहमान आ जाते हैं, कोई उठा लेता है आपके पीछे में, और छोटे बच्चों की आमतौर पर आदत होती है कि वो बिला वजह सेफ ट्रिगर दबाते हैं। और जहां तक इसका ताल्लुक है, आप कहें जी मैंने राउंड चेंबर किया हुआ है लेकिन मैंने सेफ्टी लगाई हुई है, ये सारे वेपन्स खाली हैं ट्रेनिंग के लिए, हम आपको बता रहे हैं, सो दे आर सेफ वेपन्स, तो मैंने राउंड चेंबर कर लिया लेकिन मैंने सेफ्टी लगाई हुई है। अब इवन अगर बरेटा वेपन आपके पास है जिसमें सेफ्टी लगी हुई है, राउंड चेंबर्ड है, लेकिन एक 8-9 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा बहुत कंफर्टेबली इस सेफ्टी को हटा भी सकता है और ट्रिगर भी दबा सकता है, लिहाजा हादसा होने का बहुत ज़्यादा चांस है। इसलिए जब भी आप फैमिली के साथ हों, बच्चों के साथ हों, हाई रिस्क एनवायरनमेंट में नहीं है, घर पे रखा हुआ है या गाड़ी में सिर्फ साथ रखा हुआ है आपने अपनी हिफाजत के लिए, फैमिली जा रही है, ट्रैवल कर रहे हैं या आसपास, तो कभी राउंड चेंबर नहीं करें। उस वक्त आपकी ट्रेनिंग यही होगी जो ट्रेनिंग आपने करनी है कि अगर अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़ती है तो आप वेपन निकालेंगे, आप कॉक करेंगे, एम करेंगे और फायर करेंगे। आपने उस वक्त राउंड चेंबर करना है जब आपने इसको इस्तेमाल करना है, लिहाजा ट्रेनिंग ही आपकी ये होनी चाहिए कि वेपन निकाला, कॉक किया, एम किया और फायर किया, ये टू स्टेप आपने करना ही करना है। लेकिन अगर आपने जैसे कहा कि आप लॉ इन्फोर्समेंट हैं, आप बॉडीगार्ड हैं, आपका काम है किसी वीआईपी को प्रोटेक्ट करना, या आप ऑपरेशंस में जा रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी के एसएसजी हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, उस सूरत हाल में इवन क्वार्टर ऑफ अ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड जो है, अगर मैं ये निकालता हूँ और मैं गन को कॉक करता हूँ और एम करता हूं, तो इसमें जो टाइम लगा है ये भी इजाफी होता है, ज्यादा टाइम है। सो प्रोफेशनल्स इतना वक्त जाया नहीं करते, वो राउंड चेंबर करके रखते हैं। इस तरह इस वक्त इसमें राउंड चेंबर हो गया, मैं इसको निकाल दूंगा। तो लेकिन अगेन ये बात आपके वेपन पर भी डिपेंड करती है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मिसाल के तौर पर ये जो मॉडल मेरे पास है ये ग्लॉक डिजाइन है। इसमें आपने देखा है कि ना कोई हैमर है ना सेफ्टी है, इसमें सेफ्टी जो है वो सिर्फ मेरी उंगली है। ऐसी सूरत हाल में
अगर मैं इस वेपन को चेंबर करके रख लेता हूँ, मतलब ये वेपन अगर चेंबर्ड है, इसमें कोई सेफ्टी नहीं है, और जरा सा किसी ने अगर ट्रिगर को दबा दिया तो ये फायर कर देगा। ऐसी सूरत हाल में इवन जो प्रोफेशनल हैं उनको भी इंतहाई एहतियात करनी पड़ती है। इसीलिए ग्लॉक के लिए ये स्पेशल होल्स्टर बनाए जाते हैं कि जिनके अंदर आप अगर राउंड वेपन आपने चेंबर भी किया हुआ है और आपने इसके अंदर डाला तो आप ट्रिगर पे उंगली नहीं जा सकती आपकी, आप इसको फायर नहीं कर सकते एक्सीडेंटली। ग्लॉक को अगर आप लेदर के होल्स्टर में या सॉफ्ट होल्स्टर में डालें तो वहां पे खतरा होता है कि इसका ट्रिगर जो है वो फंस जाए और वो खुद ब खुद एक्सीडेंटल फायर हो जाए, आपकी टांग पे, आपके पांव पे लगे, वो एक डेंजरस काम हो जाता है। आजकल चूंकि ग्लॉक और या ग्लॉक डिजाइन जिनके अंदर स्ट्राइकर फायर्ड है या हैमर नहीं है और सेफ्टी नहीं है, ये वेपन बहुत कॉमन हो गए, लिहाजा इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने अगर ग्लॉक टाइप वेपन रखा हुआ है तो आपके पास होल्स्टर भी या हार्ड होल्स्टर होना चाहिए कि आपकी उंगली ट्रिगर तक ना जा सके, और फिर आप वेपन को ड्रॉ करें। प्रोफेशनल्स के लिए राउंड चेंबर करके अगर रखा हुआ इस वक्त तो दे कैन डू दैट, निकाला फायर किया, वरना दूसरा स्टेप निकाला कॉक किया एम किया और फायर किया। तो अगर आप फैमिली के साथ हैं, अगर आप अपने बच्चों के साथ हैं तो उस सूरत में आप राउंड चेंबर करके नहीं रखेंगे इवन इफ यू हैव अ ग्लॉक। पिछले वाले के साथ मिला के इट्स ओके, इट्स अ गुड गन, वेरी स्टेबल। ये पेशावर में फारूक शाह साहब की ग्लॉक बनाई हुई है, लोकल पाकिस्तानी ग्लॉक, ग्लॉक 19, बेसिकली जनरेशन 4, लेकिन जो ऊपर से जनरेशन 4 है लेकिन अंदर से जो उसके पार्ट्स हैं वो जनरेशन 5 के हैं, और बहुत सारे पार्ट्स आफ्टर मार्केट हैं, फायरिंग पिन, इसके बहुत सारे पार्ट्स और भी, वो सब बाहर से बने हुए हैं। अभी हम इसकी रिलायबिलिटी भी चेक कर रहे थे। वंडरफुल गन, माशाल्लाह, ये गरीब लोगों का ग्लॉक है, असल ग्लॉक तो 6.5-7 लाख रुपए का है, ये कोई 50,000 वाला है, पर ठीक है, किसको क्या पता, ना दस हो तो ना पता लगना किसी को। जैसे कि नॉर्मली व्हेन आई कैरी, मैं अपना राउंड चेंबर करके नहीं रखता, मेरी प्रैक्टिस इज सच के निकाल के इसको राउंड चेंबर करके फायर करना शुड नॉट टेक दैट मच ऑफ टाइम। इस सूरत में गन अगर बाहर निकली भी है तो सेफ है, एक्सीडेंटल फायर नहीं करेगी, और होल्स्टर भी आपका चूंकि हार्ड होल्स्टर है, सो दिस इज बेटर वे ऑफ डूइंग इट।